GSR Film presents. पुष्पा, पुष्पा, अरे इधर आओ एक बार। बड़ी देर लगाई भाई, इतना गर्म। हाँ, ज्यादा गर्म कर दिया तूने तो। खाना वाना सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। अच्छा, ये बता तू उदासी क्यों लग रही है? मुझे रचना बेटी की बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए, ना कोई फोन आया ना कुछ आया। मैंने भी कई बार फोन लगाया, वो फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए इसके बाद वहाँ मिलने चल देते हैं उससे। तुम्हें पता है ना, अपनी बेटी से मिले में मुझे 5 साल हो गए। मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। अपना बैग लगा और तैयारी कर। बैग तो मैंने तैयार कर रखा, और तुम्हारे कपड़े भी। अच्छा हाँ, चल ठीक है। तो चलो जी जल्दी। कपड़े अपने चेक कर लिए सारे? हाँ, सारे कर लिए मैंने। अच्छा चलो चलो निकलते। चल भाई, तूने सही निर्णय लिया। चलो, फोन तो उसे करना चाहिए था, इतने दिन हो गए फोन करे हुए। पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं कर रही फोन? पढ़ाई पे ध्यान लगा रही होगी ज्यादा, ये भी तो हो सकता है। कुछ दिन रह के आएंगे वहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। देखिए तो सही, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वहाँ? पढ़ भी रही है या घूम रही है, क्या कर रही है वहाँ? चलो जो भी है सब पता लग जाएगा पहुँच के, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने दवाई ली, तुम्हें आराम है? हाँ हाँ, अब आराम है। और थोड़ा लग जाएगा, गर्म पानी पी लूंगा। चल के भाई। चलो। अरे यही है अपने बिटिया गांव में, यहाँ पहुँच जाए पट लिख के, अपना उधार हो जाएगा अपना। बस थोड़ा ही उतार दे बिटिया। चलो अरे चलो भाई, आओ। ले भाई पुष्पा, अपनी बेटी के घर तेरी वजह से आज आ ही गई। हाँ, आ तो गए आज। अपनी बेटी के लिए तो आज सरप्राइज ही हो जाएगा। ये तो अच्छा। बैल बजा। मम्मी पापा, आप अरे बेटा, हमने सोचा आज अपनी बिटिया को सरप्राइज ही दे दे, इसलिए आ गए। और कैसे आप दोनों? हाँ हम बढ़िया हैं। चलो अंदर चल के बैठते हैं। नहीं पापा। कोई बात नहीं, कोई बात। अरे भाई थक गए, मतलब मैं। पापा, आप
अरे हम फोन तो करते हैं तुझे लगातार, तू फोन उठाती नहीं है, बता क्या करें हम लोग। आखिरकार हमारी बेटी है तो हमें चिंता होती है ना तेरी, तेरी मम्मी को इतनी चिंता हो रही थी, इतनी चिंता हो रही थी, मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी इसने जिद की और हम आ गए। और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, देखो तेरे ऊपर ही उम्मीद है। बेटा तू 3 साल से यहाँ रह रही है, तुझे हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। बेटा तुझे हमारी याद आए ना आए, हमें तो तेरी याद आती है ना, आखिरकार तू हमारी बच्ची है, अपनी बच्ची का फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए हम आ गए। बेटी तेरे को इतनी भी तमीज नहीं है कि हम बाहर से आए हैं तो 2 गिलास पानी पिला दे। सॉरी मम्मी मैं भूल गई थी, मैं अभी लेकर आती। मकान तो बहुत अच्छा है। अरे हमारी बेटी है आखिर, वो मेरी बेटी की सोच है अच्छी है, इसलिए वो सब कुछ अच्छा करती है, और उसकी इस अच्छाई के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख के काबिल हो जाएगी तो समझो दुनिया की सारी दौलत मैंने कमा ली। सही कह रहे हो तुम, तुमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करा है। दुनिया में कुछ ही लोग होंगे जो अपनी बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे, वरना सब बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि उसकी बेटी सुखी रहे, उसकी बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, उसकी अच्छी सी शादी हो, अच्छे परिवार मिले, वो सब बाप सोचता है, और वही चीज़ हम भी सोचते हैं, ये अच्छा पढ़ लिख लेगी, ठीक है ना, अच्छा लड़का इसे मिल जाएगा, इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या खुशी है। तुम्हारी इस सोच की वजह से तो आज मैंने अपनी बेटी को बेटा समझ के पाला है। मुझे बहुत फख्र है इस बात पर, तुमने अपनी बेटी को बेटा समझ के पाला है, बहुत अच्छी बात। देखना एक दिन नाम रोशन करेगी हमारी बेटी। लो पापा पानी पियो। ठीक है बेटा। तो बेटा किसी दुकान का या किसी का भी दूध वाले का पैसा ड्यू तो नहीं है तुम्हारे ऊपर? नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पापा तुम बिना बताए चले आए। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तू होपलेस सी हो रही है, आखिरकार बात क्या है? क्या बात है बेटा? मम्मी कुछ नहीं। जी तुम सही कह रहे हो, हमारी बेटी कुछ छुपा रही है हमारे से। बेटी बात क्या है, क्या छुपा रही है? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है जिस वजह से तू इतनी होपलेस हो रही है। पापा आप गलत सोच रहे, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा अगर कोई बात है तो हमसे बता, हम किस लिए हैं? पापा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाह रही थी कि आप लोग कब जाएंगे। अरे कमाल है, अभी हमें आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तू पूछ रही है हम कब जाएंगे? अरे हम तो कम से कम महीने भर के लिए आए हैं यहाँ। क्या कह रहे हो पापा? ठीक कह रहे हैं तेरे पापा, यहाँ 1-2 महीने रुकेंगे हम, घूमेंगे फिरेंगे, तेरे साथ रहेंगे हम। अर्चना अरे ये दोनों काम पे रखी है क्या? अरे कौन है ये बदतमीज लड़का? अरे ये बुड्ढा कौन है? अरे पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बकरी है तू, ये क्या कह रही है तू? बेटा ये सब कुछ क्या बोल रही है तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बेटा तुझे पता है ना माँ बाप से बढ़ के कोई दोस्त नहीं होता। बेटा हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था 3 साल के लिए, और तू यहाँ आशिकी कर रही है, मस्ती कर रही है यहाँ पर। देख क्या दिख रहा तुझे इसमें, पढ़ा लिखा है क्या है ये? बस बहुत हुआ, इतनी देर से मैं आप लोगों की सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बोलते रहोगे। अरे वो हम पर चढ़े जा रहा है और तू भी हमसे उल्टी सीधी बात कर रही है। सही कह रही है वो, और क्या देख रही हो, इन्हें घर से बाहर निकालो। बहुत देर से आप लोगों की सुन ली मैंने, आप दोनों मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे सामने जल्दी से सॉरी बोलिए, वरना यहाँ से जल्दी से चलते जाना। और लड़की ज्यादा बदतमीज मत कर, समझ गई? जब वो मुझे बुड्ढा बोल रहा था तब तू एक बार नहीं बोली है, और हम ही से उल्टा बदतमीज कर रही है, शर्म नहीं आई तुझे? अब देख लिया तू अपनी बेटी को कितनी बदतमीज कर रही हो हमारे साथ? हाँ हाँ मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। देख बेटा तेरे पापा ने तेरे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, घर घर जाके काम करा है, पैसे इकट्ठे करके तेरे को पढ़ाया है,
इसी चीज के लिए, ये बात सुनने के लिए आज? यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना हमने जमीन भी बेच दी। तुझे पता है मैं बीच में कितना बीमार हुआ, और तुझे फोन किया तो तूने फोन भी नहीं उठाया, और जो मेरे इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे वो सारे पैसे तेरी माँ ने तेरे पास भिजवा दिए। मैंने उफ तक नहीं की, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने चला गया, और तब से आज तक मैं दवाई खा रहा हूँ, जो पैसे होते हैं सारे तुझे भिजवाता हूँ, इसलिए कि तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, और तू तू आज ये सिला दे रही है, धिक्कार है तेरी जैसी बेटी पर। सही कह रहे हैं तेरा पापा, क्या नहीं करा तेरे पापा ने, तेरे को ऐशो आराम की जिंदगी दी है, हैं तेरे को पढ़ाया है। ठीक है बेटा, आज धन्य हो गया मैं तेरी बात सुनकर, आज तूने हमारे लाड़ प्यार का, हमारे बलिदान का ये सिला दिया, वाह वाह बेटी वाह। प्यार? कैसा प्यार? हर माँ बाप की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों की खुशियों का ध्यान रखे, और आप दोनों ने वही किया। और हाँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। बेटा तुझे तो पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करना था, बड़ा अफसर बनना था, तूने तो हमारा नाम ही मिट्टी में मिला दिया। और बेटा तुझे अपने गांव का नाम भी रोशन करना था। घंटे का नाम रोशन करना था, और जिस गांव की तुम बात कर रही हो ना, उस गांव से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अब ना मैं इस शहर में रहती हूँ, उस गांव में नहीं। और ये जो बैठे हैं ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात तो मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ आ भी गए, और तुम लोगों को खुद ये बात पता चल गई। मुझे शादी इनसे ही करनी है, अब तुम लोगों की मर्जी हो या ना हो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता, खाक बता दिया तूने है? अगर तुझे हमारी इतनी ही बेइज्जती करनी थी तो हमें पहले ना घुसने देती घर में, हम बाहर से बाहर ही चले जाते। आप वो बदतमीज लड़की, बहुत हो चुका तेरा, समझी? और एक बात याद रखना, हम जा तो रहे यहां से, पर हमारे घर की तरफ पैर करके भी सोना मत, भूल कर भी हमें कोई फोन मत करना, चाहे तेरे ऊपर कितनी भी बड़ी आफत आ जाए हम तुझे याद नहीं करेंगे, समझ गई? और हराम कौर तू एक बात सुन ले, तूने इस भोली भाली लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है, समझा? ए, समझा रही है, नहीं समझा रही है, या मारो धक्के इन्हें बाहर। जुबान संभाल के बात कर। ए, निकाल सर। ओहो साला। ना जो कह रहा हूँ चला जाए यहाँ से, जा और निकल जा, जा। क्या विश्वास किया था इस लड़की कि हमारा नाम रोशन करेगी, इस गांव का नाम रोशन करेगी, सब कुछ तो लुटा दिया इस लड़की के ऊपर मैं। और तो और अपना इलाज तक नहीं करा, और उसने ये सिला भी, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं था। और पुष्पा तू भी एक बात सोच ले, आज के बाद अगर उस लड़की का फोन भी आए तो फोन तक भी रिसीव नहीं करना, भविष्य में उससे कभी बात नहीं करनी, भूल जाना कि हमारे घर में कोई बेटी थी, कितने अरमानों से पाली थी, कितने अरमान थे, सब कुछ तो मिट्टी में मिला दिया उसने। बताओ एक नाफूस इंसान के सामने अपने माँ बाप की बेइज्जती की, तुम्हारे विधाता ऐसी लड़की किसी को ना दे, ये भी नहीं सोचा आखिरकार हमने उसे जन्म दिया। सही किया ना मैंने आज? मैंने कोई गलती तो नहीं करी? अरे यार तूने गलती, तूने इतना अच्छा किया, तुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कर सकती है। बस अब तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना।
तुझे लगता है मैं तेरा साथ छोड़ूंगा? तो एक काम कर, पहले मुझे एक गिलास पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। ठीक है रुको मैं पिलाती हूँ। ठीक है। लो बाबू पानी पियो। और बताओ। ठीक बात बता, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? बाबू ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहा हूँ? तूने अपने माँ बाप को इतना उल्टा सीधा बोला और मुझसे भी बहुत उल्टा सीधा बुलवाया। तो बाबू ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है ना। मेरे लिए किया तूने? एक बात बताऊँ, जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी तो क्या तू मेरी हो जाएगी? आज तूने अपने माँ बाप को ठुकराया है, कल को तो तू मुझे भी ठुकरा देगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अबे जा, तूने आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कल किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़ देगी? तुम गलत सोच रहे हो। गलत सोच रहा हूँ? जा चली जा मेरी आंखों के सामने से, मुझे तेरे साथ नहीं रहना और दिखाई मत दे जाइए। अब मैं कहाँ जाऊंगी तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ दिया। तेरे जैसी लड़की ना तो जीने का हक भी नहीं है इस दुनिया में। तुम मर भी जाए ना, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे माँ बाप सही कहते थे कि तुम मर जा, आज ये बात मैं भी बोल रहा हूँ। अरे तुझे क्या पता माँ बाप का दर्द क्या होता है? माँ बाप का दर्द मुझसे पूछ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैंने तेरे कहने पर तेरे माँ बाप को धक्का मार के बाहर निकाला, उन्होंने मुझे कितना उल्टा सीधा बोला, और तू क्या कह रही है कि मैं तुझे अपने साथ रखूं? अरे मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तू क्या करती है, और तू मुझे अपने साथ रखती ना तो मैं शर्म तो रही नहीं, और आज के बाद यहां मुझे दिखाई मत दे दीजिए। जा चली जा मेरी नजरों के सामने से। हमें क्या पता था कि जिसके ऊपर हमने इतना विश्वास किया, सब कुछ बेचकर उसके पीछे लगा दिया, इसलिए कि हम भी एक दिन खुशी से ये कहेंगे, गर्व करेंगे कि हमारी बेटी अफसर बनी है। वाह रे वाह, बहुत अच्छी अफसर बनी है, इसीलिए जन्म दिया था, क्योंकि आज का यह दिन देख रहा था हमें। हमारी तरफ से तो वो मर गई है, आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने जो हमारे भाग में लिखा है वो तो होना ही था। ठीक कह रही पुष्पा तू, चलो शायद हमारे भाग में यही लिखा था, एक बेटी क्या एक अरमान था। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी आप सही कहती थी, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हूँ। मेरी कोई शादी की उम्र नहीं है, प्यार करने की कोई उम्र नहीं है, मुझे माफ कर। पहले तो ये बता तूने इस घर में एंट्री क्यों की? भूल गई तू कल की बात? तूने किस कदर हमारी बेइज्जती की थी उस नालायक के सामने, और हम एक एक बात सुनकर तेरी कैसे जलील होते जा रहे थे, भूल गई तू वो बात? अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जा बस। हमने तुझे बोल दिया था कि हमारे कोई बेटी नहीं है, हम ये सोच लेंगे, चली जा। पापा वो तो मैं आपकी बेटी, आप लोग माफ नहीं करोगे तो कौन माफ करेगा, औलाद से तो गलती हो ही जाती है। चुप कर अपनी जुबान को, याद कर वो बात जब तूने ये कहा था कि 20 साल मेरी परवरिश बहुत कर ली तुमने,
अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ख्याल रखेगा, अब उसी बॉयफ्रेंड के साथ चली जा, जा। पापा, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों से क्या कहा था, पर वो मेरी नादानी थी, नादानी समझ के मेरी गलती। एक बार क्या आप लोग माफ नहीं कर सकते? बस चली जा तू, तेरा मनहूस चेहरा मेरी आंखों में चुभ रहा है, अब चली जा बस तू यहां से। पापा, मुझे एहसास हो चुका है कि माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता, उनके प्यार से सच्चा कोई प्यार सच्चा नहीं होता। अरे डालक, अगर तुझे ऐसा एहसास हो जाता ना कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। माफ कर दो, तुम्हारी बेटी है। देख पुष्पा, मैं इसे बिल्कुल भी कभी भी माफ नहीं कर सकता, बस इससे कहे अभी इसी वक्त निकल जाए यहां से। पापा, मुझे नहीं पता था कि मुझे धक्के मार के निकाल देगा। अब ऐसे वक्त पे आप लोग भी मुझे साथ नहीं दोगे तो फिर कहां जाऊंगी मैं? हम भविष्य में तेरा कभी साथ नहीं देंगे, चली जा और दोबारा लौट कर इधर मत आना, बस जा। गुस्सा मत करो, बेटी है, माफ कर दो। मैं कभी नहीं माफ कर सकता इसको, जा। जाने दे से बस, बेटी ने इतना जलील किया हो और फिर भी माफी कहाँ जाएगी वो? हमें कुछ पता नहीं है पुष्पा, वो कहीं भी जाए बस, इसका नाम भी मत लेना मेरे सामने कभी भी। अब